पूजा के लिए हम लोग लाए थे ये टॉफी का डिब्बा, जो कि ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। तो चलिए, मेरे को प्रसाद में इतनी सारी टॉफीज मिली, इस खाली डिब्बे में भरते हैं। अरे वाह, ये डिब्बा तो पूरा भर चुका है दोबारा टॉफी से, ऐसा लग रहा है नया खरीदा हो। हम जा रहे वापस नीचे की ओर, हमने सोचा हेलीकॉप्टर से जाएंगे। देखिए मैं भाई की कितनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ। कहाँ से आए हो? हमें हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया तो आज तो हम नहीं जाएंगे। तो हम रुके अपने बुआ के घर, फूफू के घर गुंजी में, और हमारी फूफू ट्रेडिशनल चाय बना रही है, वो भी ट्रेडिशनल तरीके से। इसको हम कहते हैं मर्जा, नमकीन चाय भी इसे कहते हैं। देखिए कितने मस्त तरीके से हमारी बुआ चाय बना रही है। इसमें डाला गया शेपले, जिससे बहुत ही प्यारा सा कलर आता है। उसके बाद मलाई डाली जाती है, थोड़ा सा ये सत्तू भी डालते हैं, और उसके बाद इसे अच्छे से मथा जाता है डोंगबो में। तो आज डोंगबो की चाय मैं पहली बार पीऊंगी, और इसमें नमक डाला जाता है तो इसे नमकीन चाय भी कहते हैं। नेक्स्ट डे हो चुका है, आज है रक्षाबंधन। तो आज मेरी बुआ ने पापा को पहनाई राखी। तो आज ही हम टैक्सी से लेके हमारे नीचे की ओर, रास्ता ख़राब है, वीडियो में ग्लिच भी है दोस्तों, इतना बड़े पत्थर आ रखे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रखे हैं। इस पूरे पहाड़ को हम पैदल क्रॉस करके आए, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। मैंने तो ऐसा पहली बार एक्सपीरियंस किया, सो इट वाज़ वेरी एडवेंचरस, बट बहुत डर भी लग रहा था यार। भगवान को याद करना ही पड़ता है ऐसे रस्तों में, बिकॉज़ यू नेवर नो आपको पहाड़ी रस्तों में किस चीज़ से डील करना पड़े। इतनी नदी भी बह रही है और इतना बड़ा सा झरना भी था यहाँ पे। अगला दिन हो चुका है दोस्तों, आज हमने खाई लफे मानी सब्ज़ी। मैं पहली बार इसे मटर के साथ बनाया है, गांव का, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था और टेस्टी भी। उसके बाद मैंने अप्लाई किया ये मास्क, और देखिए मेरे को कितना ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है ना स्किन पर। आज हमें बुलाया है लंच में, साथ ही मेरी भतीजी से भी मिलेंगे, तो उसके लिए कुछ ले जाना तो बनता है। हमने करी यहाँ पे ट्रिपलिंग, इट वाज सो मच फन। इतने पतले रास्तों में तो और ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था दोस्तों। मैं पहुँच गई हूँ घर पे, यहाँ पे हमने खाया मस्त राजमा सब्ज़ी एंड रायता, इट वाज यम्मी यम। यहाँ पे रिमी लगा रही है मेरी भतीजी माइक, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा किया थोड़ा फन, और किंगडम जॉय में उसे मिला एक टॉय। अब तो कितने गर्लिश टॉय भी आते हैं, हमारे टाइम में तो सिर्फ लड़कों के लिए बॉयज़ टॉय आते थे। नमस्ते, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है वैष्णवी लेंस में। लेके आई हूँ मैं एक और नया व्लॉग। सी आई एम ऑलरेडी, मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है। मैं आ चुकी हूँ गांव से। आप सबको गांव की सीरीज़ पसंद आई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिन्होंने भी लाइक किया, सपोर्ट किया अभी तक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे चैनल को लगातार सपोर्ट करते जाइए, फिंगर क्रॉस। तो एज़ यू कैन सी, मेरी काफ़ी ज़्यादा टैनिंग हो गई है गांव से आने के बाद, बिकॉज़ वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर होता है, धूप आती है तो एकदम ऐसे सॉलिड वाली धूप आती है, इसलिए भी हेड हमेशा कवर करना पड़ता है, और ठंडा भी लगता है प्लस। तो पहली बार गई थी, वैसे उतना टैनिंग नहीं हुआ, क्योंकि कितनों की यू नो स्किन तक फट जाती है बिल्कुल बुरी तरीके से। फॉर्चुनेटली मेरे स्किन उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ यहाँ आने के बाद। हाँ, ज़रूर मैंने देखा कि टैनिंग हो गई है। सो दीज डेज आई एम अप्लाइंग डेली
मेनली बेसन, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंडियन और नानी के नुस्खे वाली चीज़ होती है. मैं बहुत फैंसी और एक्सपेंसिव आइटम्स ऑनेस्टली यूज़ नहीं करती हूँ. आई प्रिफर द देसी नुस्खा और मैं वही अप्लाई कर रही हूँ. जैसे बेसन, या बेसन को दूध के साथ अगर आप करेंगे ना तो वो और ज़्यादा आप क्लींजिंग भी करता है फेस को और बहुत स्मूथ और टैन तो ऑब्वियसली करता ही है. आजकल मैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ कुछ अपने न्यू अपडेट्स देती हूँ. उन फोटोज़ वीडियोज़ को देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर सकते हैं. मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @वैष्णवी लेंस. मुझे अपनी घड़ी ठीक करानी है तो मैंने अपनी घड़ी ठीक करने के लिए दे दी. यहाँ पे मैंने अपनी गुगिया की शॉप में वेट किया क्योंकि घड़ी बनने में टाइम था. शाम को घर आके मुझे पता चला कि हमें तो बर्थडे पार्टी पर जाना है. तो यहाँ पर हम पहुँच गए पार्टी पर और यहाँ के बच्चे बहुत मस्त है, जैसे कि बच्चे होते ही हैं जो सबको प्यारे होते हैं एंड क्यूट क्यूट बॉयज़ एंड गर्ल्स. सो यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से पूजा करी. दिस इज़ द प्रसाद दैट आई गॉट. ये व्लॉग ना काफ़ी टुकड़ों टुकड़ों में बन गया है तो अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और आ रखी है मेरी मौसी. हम गए मार्केट, लेकिन संडे में गए तो ऑब्वियसली बात है सारा मार्केट तो बंद है और ऊपर से इतनी बारिश हो रही है नॉन स्टॉप. तो हमने डिसाइड किया हम जाएंगे नेपाल क्योंकि वहाँ का मार्केट तो खुला रहेगा. बचपन से ही ना मुझे उलन धागे की शॉप बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे बुनाई करना तो नहीं आता है. यहाँ पे बन रहा है बजरंगबली का मंदिर. ये है कुमाऊँ टूरिस्ट रेस्ट हाउस. अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं एंटर नेपाल में. यहाँ पे नदी बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रही थी सच कहूँ तो. वेलकम टू नेपाल, हम पहुँच गए हैं नेपाल. देखो यार हाँ कितनी बारिश हो रही है. यहाँ पे हम इस शॉप में एंटर किया, कुछ सारे कैप्स देखे. बड़ा ओवर प्राइस तो है ही यार. होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.